और वेदर डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल काम है। फसलों, इकोनॉमी और सोसाइटी पर वेदर का बहुत असर पड़ता है। थोड़ी सी गड़बड़ से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इसीलिए वेदर को डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल जिम्मेदारी है। कुछ समझेगा पिता, तो बताओ क्या तुम ये जिम्मेदारी संभाल सकते हो? बिल्कुल डोरेमोन। ओह, इसे सब कुछ आसान क्यों लगता है? मैंने कर दिया। ये क्या है? सनी रेनी क्लाउडी, सनी रेनी क्लाउडी। क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? देखो, ज्यादा सिस्टमैटिक होना भी बोरिंग है। हाँ, दिखाओ डोरेमोन, आज शाम को मैं बारिश में नहाना चाहता हूँ। अरे, ये क्या अचानक ही बादल छा गए? एक हाई प्रेशर सिस्टम की वजह से अगले 2-3 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। अरे, तुमने अगले 3 दिन सनी कर दिए हैं। देखो, मुझे बार बार लिखना अच्छा नहीं है। आज सुबह मौसम अच्छा बना रहेगा, पर अचानक कम प्रेशर की वजह से शाम को मौसम खराब हो जाएगा और अगले 2-3 दिनों में बारिश नहीं हो सकती। हाँ, मैंने ये डिसाइड किया है कि अगले 3 दिन बारिश होनी चाहिए। इस तरह मैंने बार बार नहीं बदलना चाहिए रोबिता। हाँ ठीक है डोरेमोन, अब मैं ध्यान रखूंगा। अरे हाँ, कल बारिश होगी इसलिए मैं वॉक पर चला जाता हूँ। सुनिए मॉम। हाँ, आज शाम से ही बारिश शुरू हो जाएगी, उससे पहले ही कपड़े धो लेना। अगर बाहर जाए तो अम्ब्रेला लेकर जाना। हाँ।